नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में आपको आपकी बहुत सारी समस्याएं आ रही थी कि किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे आपने देखा होंगे नींबू के दाग ये सब लग जाते हैं, तो इसको क्लीन कैसे करें। जैसा कि देखिए, आज मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, पहले मैं यूज़ करूँगा कि आपका पैसा नहीं लगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक ब्लेड चाहिए और एक पेपर ले लेना जिससे ये थोड़ा शार्प हो सके। पहले कोशिश इससे करेंगे कि आपका पैसा बच जाए। अगर इससे नहीं होगा तो फिर मैं केमिकल यूज़ करूँगा इसमें। और देखिए, इसमें दो तरह का केमिकल यूज़ करूँगा मैं। एक तो ये ग्रेनाइट टाइल क्लीनर, ये देखिए, एक ये यूज़ करने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे, ये शैम्पू है, ये देखिए, ये शैम्पू आप मार्बल की फ्लोरिंग, ग्रेनाइट की फ्लोरिंग, इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग कहीं पर भी आए उसमें आप ये शैम्पू के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी पॉलिश ख़राब नहीं होगी। हमने काफ़ी इसको यूज़ किया है और मैं आपको मेरा पर्सनली राय बता रहा हूँ कि इससे कोई ख़राब नहीं होता है। तो देखिए, मैं आपके लिए ख़रीद के लाया हूँ ये एक चीज़ है कि आपको, अब देखिए इसको निकालने की पहले मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये ब्लेड से निकल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं निकले तो फिर मैं इस पर केमिकल यूज़ करूँगा। देखिए, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये चीज़ है, अगर निकलता है तो मैं निकाल देता हूँ, नहीं निकलेगा फिर केमिकल यूज़ करेंगे। और इससे एक शाइनर भी आता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि नींबू के दाग ये सब लग जाते हैं। आप ऐसी जगह पे आ जाए तो ये देखिए, ये जो ब्लेड है यहाँ पे एक पेपर की टेप आती है, वो टेप लगा दें ताकि ये नोक से आपका हाथ नहीं कटे। बस अभी इससे थोड़ा हो रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो रहा काम, केमिकल यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अब मैं इसको केमिकल यूज़ करता हूँ। देखिए, यूज़ करने से पहले आप इसको हिला दें अच्छी तरह से। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप हाथ में मोजे ज़रूर पहने, क्योंकि आप तो पहली बार करेंगे। मैं काफ़ी दिनों से ये काम कर रहा हूँ तो मुझे एलर्जी की कोई समस्या होगी नहीं। तो देखिए, इसको लगा देते हैं। और इसका रिजल्ट क्या आता है वो आपके सामने ही आएगा। देखिए, ये जो ये चीज़ें होती है, पानी में जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड की वजह से ये ग्रेनाइट की सरफेस पे जम जाता है। भी लगाएं आप, आंखों पर चश्मा लगा लें, इसके छींटे आंखों में नहीं जाने चाहिए। बस इस पर लिख रखा ग्रेनाइट और टाइल क्लीनर। और उसके बाद में एक शाइनर और आता है, अगर इसको आप शाइनर लगा देंगे तो आपका बिल्कुल ये नया जैसा हो जाएगा। ये सिंक भी साफ कर देता हूँ इसी से। अगर कोई भी अगर खराब सिंक का भी आप लगा के देख लेते हैं, अगर सिंक भी अगर आपका साफ हो जाता है तो आप ये केमिकल सिंक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रेनाइट सॉफ्ट होगा तो ये उसके अंदर जाएगा, बाकी ये अंदर नहीं जाता है, कभी भी अब्जोर्ब करता है। अगर हार्ड ग्रेनाइट है तो वो अब्जोर्ब नहीं करता है। वीडियो पूरा देखना कि इसका क्या रिजल्ट आता है, देखना आप। आपके भी टाइल्स ख़राब हो रही है तो आप ये खुद कर सकते हैं काम। यहाँ पे थोड़ा बहुत हार्ड हो गया ये। देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक निकल रहा है ये सीमेंट ही है। ये देखिए, ये चीज़ जो सिंक पे देख रहे हैं आप ब्लैक ब्लैक, ये भी देखेंगे कि वाकई में ये वो नल पे भी ट्रायल कर रहा हूँ कि इसकी पॉलिश ख़राब तो नहीं होगी, देख लेते हैं ये भी। ये देखिए, ब्लैक ब्लैक है, येलो येलो बहुत हो रहा है ये।
अगर इसकी कोई अगर मान लीजिए ख़राब होता है तो आप इसको नल पे यूज़ मत करना। ब्लेड से मैं कोशिश करता हूँ, इस पे दो बार लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो था ये वाइट वाइट इतना है, ये देखिए। की बार हम ये ब्लेड का आप ध्यान रखना, ये आपका हाथ भी काट सकता है। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए, अब क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा धो के एक बार वापस इस पे केमिकल लगाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये गीले पे केमिकल काम नहीं करेगा, इसके लिए हम देखिए इसको सुखा देते हैं। मेरे हिसाब से आपका किचन का जो भी नींबू का दाग है वो इससे पूरा हो जाएगा, खराब सही हो जाएगा और पॉलिश भी ख़राब नहीं होगी आपकी। ये देखिए, ये मेन चीज़ है। ये इसमें देखिए स्टील वाला आप यूज़ मत करना, ये इस बाकी स्क्रैच हो जाएंगे आपके। देखिए इस नल को भी बिल्कुल साफ करके दिखाऊंगा मैं। अगर आपको ये परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सही ऊपर ही था, पत्थर के अंदर नहीं गया। बहुत बार क्या होता है, हम वाइट कोई भी ग्रेनाइट लगाते हैं और अगर आप नींबू कुछ रख देते हैं तो ये हल्दी कुमकुम ये सब अंदर चले जाते हैं। देखिए मैं इसको पानी से साफ करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आप भी एक आइडिया ले लेना। देखिए टाइल कितनी अच्छी निकल गई, हमने बहुत यूज़ कर रखा है इसको। थिंक लूज है, ये देखिए जो भी पानी अगर लीकेज होता है किचन में वो यहाँ से जाता है। मेल जो देख रहे हैं आप, ये चीज देखिए, ये टाइल्स लगाने वाले ने अगर कभी एसिड यूज़ किया है तो ये एसिड के ये देखिए निशान, जब भी स्लोए पे एसिड गिरता है तो ये ऐसे लाइनें आती है। देखिए एसिड यहाँ से गिरा है तो ये लाइन है, बाकी इस केमिकल का ये देखिए इधर कुछ नहीं है। अब मैं साफ कर देता हूँ पूरा ये। अब देखिए इसको एक ये शैम्पू है इससे साफ कर देता हूँ मैं। ये शैम्पू ऐसा है, इसको भी मार्बल क्लीनर ही बोलते हैं। और ये देखिए पूरा, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्बल की फ्लोरिंग को साफ कर सकते हैं इजीली, पॉलिश खराब नहीं होगी आपको। देखिए अब मैं इसको मशीन से सुखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको पॉलिश का बताऊँगा कि इस पर पॉलिश ख़राब हुई कि नहीं हुई। अगर आप दूर से देखेंगे ऐसे देखेंगे, देखिए पूरा ये पॉलिश नज़र आएगी। ये देखिए
देखिए लाइट का एक फॉक्स दिखेगा, तो दोस्तों इस तरह आप भी अपने घर के में अगर आपका किचन काउंटर ख़राब हो रहा है तो आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो उसका लिंक पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।